दोस्तों, सभी का सपना होता है कि उसे उसकी मनपसंद जॉब मिले, लेकिन क्या सभी का सपना पूरा होता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि सपना उन्हीं का पूरा होता है जो उस सपने को पाने के लिए मेहनत, लगन और धैर्य से अपने लक्ष्य के मार्ग पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रतियोगी बनना होगा। और एक प्रतियोगी कैसे बन सकते हैं, कि आपने अगर उसको ठान लिया आइए है, अगर आप जानते हैं। सोचते हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो आपके आपको रोकने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हो सकते हैं। तो खुद आप अपनी रुकावट कभी मत बनिए, एक्सक्यूजेज मत बनाइए। ऑब्स्टिकल ज़रूर आएंगे, उन्हें आपको चैलेंज करना है। चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड। तो सही तरीके से अपने ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कीजिए, और इस एग्ज़ाम में अगर आप सही स्ट्रैटेजी रखते हैं तो आप अपने एक अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर सकते हैं। एंड एनी वेज, आप जो भी अटैम्प्ट नेक्स्ट रखते हैं, दिल में यही रखिएगा कि जो ये मेरा नेक्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, ये मेरा बेस्ट अटैम्प्ट होने वाला है। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप गेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप SSB का फॉर्म भर रहे हो, UPSC का, तो कुछ चीज़ें ना हमेशा कॉमन रहती हैं। तो वो जो कॉमन चीज़ें हैं, आज उन पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो मैंने एक निमोनिक सोचा था, MP। तो आई विल टॉक अबाउट टू एम्स एंड टू पीज, ठीक है? तो आपको याद भी रह जाएगी चीज़, ठीक है? तो पहले पी से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पी इज अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि कितना हम टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और उससे हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 12, मतलब है ना, बिल्कुल गिन करके बैठे हैं, सुबह से इतना टाइम लगा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम एंड में देखते हैं तो हम उतने टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ये चीज़ का प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होता था ऐसा ही। ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, टाइम हम उतना लगा रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए तो एक चीज़ ये कि मैंने कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन सबसे बड़ा, उसका जो यूट्यूब का ऐप है, उससे जो रिकमेंडेड वीडियोज़ में हम चले जाते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने कम किया। उसके अलावा और भी जितनी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेट पर, पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधने की कोशिश की। हमारा हर दिन अलग होता है ना? कभी किसी दिन पढ़ने का मन करता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमको एटलीस्ट 5 to 6 hours, मैं कहूँगी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, माफ़ कीजिएगा आप लोग पीछे बैठे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, बट तो किसी कोई भी एग्ज़ाम जो है वो 5 to 6 hours आपको रोज, मतलब मैं कहूँगी कंसिस्टेंटली आपको देने की ज़रूरत है ना? और उसके लिए आप अपना एक कुछ छोटा सा रूटीन, भले ही सोने के पहले आधा घंटा अपना दिन जो है दूसरा, वो आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि हर दिन नया होता है। अगर एक दिन आप टाइम टेबल बना दिया, यहाँ से यही करूँगा, और एक वीक आप सोचो कि फॉलो हो जाए, तो मुझसे वो फॉलो नहीं हो पाता था। तो मैं ये करती थी कि सोने के पहले थोड़ा सा आधे घंटे में कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, वो सब एक बार मैं लिख लिया करती थी। एक ये कहना चाह रही हूँ प्रेपरेशन की। तो प्रेपरेशन में अगर UPSC स्पेशली बात करूँ, तो मेरे पूरे प्रेपरेशन के दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स रहे। एक था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर है क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आजकल ना डायनामिक होती जा रहे हैं, कि वो ये नहीं जानना चाहते कि चलो शाहजहाँ ने बना दिया ताजमहल, वो तो हमें पता है, अब उसके आगे की बात करो। तो अब जो डायनामिज्म एग्ज़ाम में आ रहा है, उसके लिए करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर को जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा। पहले इंडियन एक्सप्रेस, मतलब पहले तो द हिंदू पढ़ती थी, फिर जब इंटरव्यू मेरा पास आया तो फिर मैंने द इंडियन एक्सप्रेस भी शुरू किया पढ़ना। और जो भी आप हिंदी माध्यम अगर कुछ बच्चे दे रहे हो तो आप उस तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आप हमेशा पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा अपने आप को चीज़ों को समझने में, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है वो पता करने के लिए आपको हेल्प करें। करंट अफेयर्स को मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपनी प्रेपरेशन करंट अफेयर्स से खींच के की। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, कि कहीं आपने पेपर में पढ़ लिया कि कोई एक एनिमल है जो, मतलब जिससे ना पोचिंग, आप पोचिंग समझते हैं, पोचिंग हो रही है उसकी,
एंड यू नो पोचर्स आर बीइंग कॉट, कि पकड़ लिया गया है जो भी इसकी इसके शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो हम ऐसा कर लें कि इसका नोट बना लें कि ये एनिमल है, इसका शिकार हो रहा है और पकड़े गए, खत्म। या तो फिर आप एक काम करें, आप देखें कि वो एनिमल कौन सा है, इंटरनेट पे फटाफट गूगल सर्च किया, पता किया उसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN स्टेटस पूछता है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि क्या है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो गया है, क्या है, वो आपने पहले से सर्च करे। फिर आपने देखा कि उस एनिमल वो कहाँ पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में इट इज़ फाउंड। अच्छा चलिए असम में मिलता है, तो असम में और कौन से नेशनल पार्क हैं। मतलब एक पॉइंट पकड़ के न्यूज़पेपर का आपको उसके साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी वक्त कवर कर लेंगे। उससे होगा क्या, उस दिन का आपका एनवायरमेंट का एक सेक्शन कवर हो जाएगा। ऐसा करके पॉलिटी हो गई, या फिर जो भी हम जैसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर और भी प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, फिर आप उसकी और डीप में स्टडी करें, है ना। एक ही चीज़ जो दूसरा मेरा प्रिपरेशन का पिलर था वो था टेस्ट्स। देखिए पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। देखिए अगर हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो वहाँ कोई दिल्ली में बच्चा बैठा है जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खोल करके दूसरा पेज पूरा रट रहा होगा, बात सही है। तो वो जो है ना, टाइम का हमेशा याद रखिए, टाइम हमेशा याद रखिए कि आपका टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना वक्त निकाल कर इस पढ़ाई को दे रहे हैं, हमारी लाइफ के हम कलरफुल यूथ के ईयर्स अगर हम पढ़ाई को दे रहे हैं, तो अपना 100% दीजिए। और टेस्ट्स आपको ये बताएंगी कि आपका स्तर क्या है प्रिपरेशन का। तो जो भी टेस्ट्स हों, चाहे भोपाल में, चाहे अगर आप दिल्ली से कोई फोटोकॉपी मंगवा सकें, या जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर आपको कहीं टेस्ट्स मिलता है तो आप अपने आप को जाँचते रहें। हर रोज़ 10 से 20 सवाल MCQ, या अगर रिटन हो तो मैं एक दो आंसर्स रिटन, जो बड़े अपने सब्जेक्टिव आंसर्स थे, वो मैं एक दो रोज़ लिखा करती थी। तो उससे मुझे आइडिया होता था कि मैं किस स्टैंडर्ड का लिख रही हूँ और क्या उससे मेरा कुछ चांस है सिलेक्शन का। तो ऐसा अपने आप को आप जाँचते रहें। MP हो गया है तो M की बात कर लेते हैं। एक M मैंने जो हमें दिमाग में चीज़ जो है हमारे पुश करता है। अच्छा इसके पहले मैं M की तरफ आऊँ, एक चीज़ बताऊँगी कि किसी भी एग्ज़ाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं उसके दो पहलू हैं। एक आप क्या पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कितने टेस्ट लगाते हैं, कितने घंटे देते हैं, ठीक। दूसरा है एग्ज़ाम में कि आप मेंटली क्या सोचते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं, कि आपका मन नहीं कर रहा है उठने का पर फिर भी आप उठते हैं। वो चीज़ है आपका मेंटल करेज, और उसको आपको बिल्ड करना बेहद बेहद ज़रूरी है। मैं कहूँगी 60% ये मेंटल करेज है और ये 40% जो पढ़ाई है। तो उस मेंटल करेज को बिल्ड करने के लिए दो M हैं। एक है माइंडसेट, कैसा आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। देखिए एक बात होती है, जैसे आप खड़े हैं वहाँ पर, चलिए आपको नहीं कह रही, जैसे हम कभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, अब तो पढ़ ही नहीं पाऊँगी। तो ये क्या है, आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग से कई बार कंट्रोल हो जाते हैं, हमें करना ये है कि हमें अपने आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। हमें उसको बताना है कि नहीं, आज अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये इतना ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैं करके रहूँ। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। जब तक हम अपने माइंड को, अपने हार्ट को नहीं एक जगह फोकस कर सकते, कर पाएंगे, तब तक हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप अपने आप को ज़रूर बताते रहिए। और जो दूसरा M की मैं बात करती हूँ वो है मोटिवेशन। तो कई बार ऐसा सब ऐसा पूछते थे, मैं भी जब पढ़ रही थी तो इंटरनेट पे ऐसे YouTube पे सर्च करती थी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो लेकिन वो चीज़ मुझे बाद में समझ आई कि बाहर का कोई इंसान मुझे नहीं बता सकता कि हाउ विल आई स्टे मोटिवेटेड। तो फिर थोड़ा अंदर मुझे झांकना पड़ा और तब मुझे समझ आया कि मैं कैसे मोटिवेट हूँ। तो फिर जब आपको मन करे ना कि आज तो हो गया, आज बहुत पढ़ाई करी, तब अपने आप से पूछो कि ऐसा क्या है जिसने मुझे पुश किया कि मैं ये करियर चुनूँ, ऐसा क्यों है कि मैं SSB की एग्ज़ाम के लिए बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, वाई इज़ इट। अगर आपका वाई तगड़ा है ना तो आप पूरी जर्नी से अच्छे से निकल जाओगे। इसलिए अपने वाई को, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द सिविल सर्विस,
Why do you want to clear this exam? That is very, very important. So don't start ki agar karunga to you know acha wo mil jayega, prestige mil jayegi. Agar aap prestige ko soch kar agar aap civil service ka exam dene ja rahe hain to my dear friends zyada dinon tak wo aapko motivate nahi rakh payega. मोटिवेशन आपको कहीं ऐसे ऐसी जगह से आना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी बच्चे को देख रहे हो, किसी दुकान पर काम कर रहे हो, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो बच्चा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो बच्चा अभी स्कूल में होना चाहिए? क्या हम कुछ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से? क्या हम किसी ऐसे पोजिशन पर पहुँच सकते हैं कि उस बच्चे को वहाँ से निकाल कर स्कूल में भर्ती करा दें? तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए. जिस दिन आप सोसाइटी से जुड़ने लगेंगे और समझने लगेंगे कि कुछ और लोग हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, हम बहुत लकी हैं और हम उनकी मदद कैसे करें, तो फिर बहुत जर्नी जो है ना आसान हो जाती है. तो एक ये चीज़ मोटिवेशन की थी कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट करिए. इस एग्ज़ाम के बारे में जो चीज़ें मुझे एक दो साल में समझ में आई हैं वो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. सबसे पहली चीज़ जो पहले जय और रचना हम दोनों बोल चुके हैं कि कंसिस्टेंसी. आप अगर दिन में, कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो देखिए घंटे मैटर नहीं करते. कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, उतना हम पढ़ भी नहीं सकते. एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे. 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं या उतने निकालने हैं, पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो वो कंसिस्टेंटली आपको रोज़ उतना ही अपने पढ़ाई को देना है. कंसिस्टेंसी इज़ द की, दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है. दूसरी चीज़ इस एग्ज़ाम में मुझे लगता है इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जर्नी लंबी होती है. जैसे एग्ज़ाम ही एक साल तक चलती है, आप प्रीलिम्स देते हैं, फिर आप मेंस देते हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो एग्ज़ाम एक साल तक खुद चलती है. उसके पहले मान लीजिए आप 1-1.5-2 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जर्नी काफ़ी लंबी रहती है. उस जर्नी में मेंटली अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को बूस्ट करते रहना, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. और इसीलिए अपने आप पर भरोसा बेहद ज़रूरी है. यू नीड टू हैव अ फेथ इन योर सेल्फ कि अगर आपने इसमें कदम रखा है, अगर आपने सोचा है कि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और देंगे, तो आपको ये ठान के उसमें जाना है कि हाँ मैं ये कर सकता या कर सकती हूँ. ये एक अपना मोटिवेशन, अपने साथ एक फेथ बिलीफ अपने ऊपर आपको हमेशा रखना है. कमिंग टू प्रेपरेशन की कैसे तैयारी करनी है, बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं कि आंसर राइटिंग में कैसे करना होता है, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. तो मैं शुरू में सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरे प्रिपरेशन का बेस दो चीज़ें रहीं. पहला था करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स इसलिए मैंने उसको उसी से शुरुआत की क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है. कई बार आपको हिस्ट्री कभी बोरिंग लगेगी, कई बार आपको लगेगा ज्योग्राफी इतना, कभी हर किसी के अपने अपने फेवरेट्स होते हैं. तो मुझे वो जो सब्जेक्ट्स लगते थे कि यार इतना मन नहीं करता है, लेकिन न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स में जो भी नया चल रहा है वो मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता था. इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, क्या सोशल रियलिटीज़ हैं, कहाँ क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे और हमारी कंट्री पे. तो उसको आप अपना एक बेस बना सकते हो, आप करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं. इसलिए भी क्योंकि अगर आप मेंस एग्ज़ाम देखेंगे तो काफ़ी डायनामिज्म आ गया है, केवल प्रीलिम्स में नहीं बल्कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 पेपर 3 में भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो करंट इवेंट्स से इंस्पायर्ड होते हैं, उन पे बेस्ड रहते हैं. तो जब आप न्यूज़पेपर बेस्ड करंट बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो वो आपका प्रिपरेशन वहाँ से भी कवर हो सकता है. दूसरी जो चीज़ मैंने जिस पर बहुत फोकस किया वो थी आंसर राइटिंग. तो आंसर राइटिंग का, जैसे खान सर बता रहे थे कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत की, तो उसके पीछे मेरा ये था कि जब मैं हमेशा प्रीलिम्स का कोई भी पेपर टेस्ट देती थी, हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट देती थी तो हमेशा मेरे मार्क्स करीब 90-100, 110-120, इससे ऊपर मेरे कभी मार्क्स नहीं जाते थे. तो मुझे हमेशा ये डर था कि यार प्रीलिम्स में कहीं मेरा कुछ, क्योंकि कट ऑफ भी इसी कुछ रेंज में जाता है, तो हमेशा लगता था कि यार कुछ गड़बड़ यहाँ ना हो जाए. लेकिन जब मैंने आंसर राइटिंग की और मेंस एग्ज़ाम के बारे में जाना, तब मुझे लगा कि आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, मेंस एक ऐसा फेज़ है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव रिटन द आंसर्स, इफ़ यू नो कि यू हैव कवर्ड द पॉइंट्स वेल, इफ़ यू हैव इंक्लूडेड उसमें कुछ आपने फैक्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, आपने कुछ ऐसे उसमें सॉल्व भी डाला है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो सेटिस्फैक्ट्री ही आएगा, अच्छा ही आएगा. तो मेंस एक ऐसा पार्ट है जिस पे आप काफ़ी बैंक ऑन कर सकते हो. मैं जब पर्सनालिटी टेस्ट भी मैंने दिया
तो इस बार भी आप नंबर्स देखेंगे तो आसपास की रैंक के हिसाब से मेरे नंबर्स उसमें कम हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट दी जनरल स्टडीज़ एंड दी आंसर राइटिंग पार्ट, जो मेंस के जो वो है मार्क्स हैं या मेंस का जो एक फैक्टर रहा वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। तो अपना एक्सपीरियंस यही बताऊँगी कि आंसर राइटिंग पर आप विशेष फोकस कीजिए। जैसा स्ट्रक्चर आपको बता ही चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में कैसे आपको शॉर्ट रखना है बॉडी एंड देन कंक्लूजन, उसमें छोटी चीज़ जैसे मैं अभी मेंशन कर रही थी, आप एक इंश्योर कीजिए कि देखिए जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो दिन में 10 15 20 कॉपीज चेक कर रहे हैं, तो उन सब से आपको अलग कैसे आप अपनी कॉपी दिखा सकते हो, ये चीज़ आपका प्रेजेंटेशन और आप जिस तरीके से आंसर लिखते हो कॉन्टेंट को वो मैटर करेगा। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके आंसर में कुछ फैक्ट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, कुछ कमिटीज़ बैठती हैं, जैसे एक प्रिवेसी पे जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आई है, तो आप मान लीजिए आपको कोई प्रिवेसी पे सवाल आ गया तो आपने उन कमेटी का नाम कोट कर दिया, ऐसे बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आते हैं वो आप उनको इनके बारे में लिख सकते हैं। इंडिया का मैप आप बना सकते हैं, मैंने सीख लिया था कि 10-15 सेकेंड्स में कैसे जल्दी से मैप बनाना है और उस पर कैसे पॉइंट कुछ करना है, कुछ लोकेट करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आंसर्स को एनरिच करेंगी और प्रेजेंटेबल बनाएंगी। तो इस तरीके से आंसर्स पे जैसे हम क्लास करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये कोशिश करनी है कि एक से दो आंसर पर डे आपको ज़रूर लिखने ही लिखने हैं अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज दैट यू आर डूइंग। आंसर राइटिंग से दो तीन चीज़ें होती हैं, ना केवल हमारी एक लिखने का हमें समझ आता है हम क्या लिखते हैं कैसा है, पर हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होता है, हमें कितना समझ में आया वो भी हमें खुद समझ आता है जब हम आंसर्स लिखते हैं। और इसीलिए आंसर राइटिंग पे आप फोकस कीजिए, एक से दो आंसर ज़रूर लिखिए। और आंसर राइटिंग के बाद द थर्ड पिलर ऑफ माय प्रेपरेशन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जिसने रोल प्ले किया दैट वाज टेस्ट्स एंड टेस्ट सीरीज एंड मॉक्स। देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आई विल ऑल्सो कम टू द पॉइंट कि हम कैसे दिल्ली भोपाल और इंदौर में प्रिपेयर करके बिना दिल्ली जाए हम कैसे कर सकते हैं, आई विल कम टू दैट पॉइंट। पर उसके पहले टेस्ट की थोड़ी बात कर लेती हूँ कि टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है। हम ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सिविल सर्विस की, एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है एंड दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, तो उसके लिए आप केवल पढ़ते रहे सारी बुक्स मटेरियल्स स्टैंडर्ड ये करंट का सब पढ़ लें, लेकिन अगर आप ये नहीं जज कर पाए कि आपका क्या लेवल है एट एन ऑल इंडिया लेवल, तो चीज़ें समझ में आप नहीं, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसलिए आप टेस्ट से घबराइए मत, कई बार टेस्ट का इनर्शिया होता है, ऐसे लगता है कि जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लूँ तब तक टेस्ट नहीं दूंगा, लेकिन सच में बात ये होती है कि जब तक हम जीएस के मतलब पेपर देने अंदर भी घुसते हैं ना तब भी उस सेकंड पे लग रहा होता है कि कुछ छूट गया है हमारा, तो ये चीज़ होगी ही। इसीलिए ये मैं कभी मत सोचिए कि जब तक पूरा सिलेबस नहीं कर लूँ टेस्ट नहीं दूंगा। जैसे आपका एक थोड़ा बेस बन जाता है प्रिपरेशन का, आप टेस्ट दीजिए, चाहे वो प्रिलिम्स का एमसीक्यू का टेस्ट हो या मेंस का राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस हो, टेस्ट पे आप फोकस कीजिए। उसके बाद टेस्ट केवल देने के लिए नहीं देना है, उसको एनालाइज भी अच्छे से करना है। व्हेन यू गेट द आंसर हिंट्स, व्हेन यू गिव द गेट द आंसर कीज, एनालाइज प्रॉपरली कि आपकी क्या गलती हुई है, और उससे भी सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ नया मुझे इस टेस्ट पेपर से या इस आंसर कॉपी से मिल सकता है। तो इस तरह से टेस्ट पे भी आप फोकस कीजिए। एंड आई विल कम लास्टली टू द पॉइंट कि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आते आते, तो मन में बहुत सारे फियर्स थे। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, मेरे फैमिली में किसी ने आज तक सिविल सर्विस का पेपर भी नहीं लिखा था, तो मन में बहुत सारे फियर्स थे, डाउट्स थे, क्या होगा कैसे होगा। तो हो सकता है आपके मन में भी ऐसा हो, और हम जैसे यहाँ रहते हैं हम सोचते हैं कि दिल्ली जाना तो सबसे ज़रूरी है, उसके बिना तो ये एग्ज़ाम हो ही नहीं सकती। तो उस पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे KSG जैसे इंस्टीट्यूट हैं, जो फैकल्टी भी हमें वही मिलती है जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि क्वालिटी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक चीज़ है, आप ज्वाइन करते हैं क्लास दैट विल ओनली प्रोवाइड यू अ डायरेक्शन, वो आपका रास्ता दिखा सकते हैं आपको कि इस रास्ते पर आपको चलना है, लेकिन चलना उस रास्ते पर आपको खुद है, यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। कभी ये मत सोचिए कि मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ तो नहीं हो सकता, यहाँ है तो हम एक्सक्यूज़ बनाते हैं, कई बार चैलेंजेस आते हैं। तो मैंने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन की तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती थी, कभी कभार कॉलेज की एग्ज़ाम होती थी तो इसमें मैं अपना उतना वक्त नहीं दे पाती थी। तो उस मोमेंट पे फिर प्लानिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया कि हम किस तरीके से अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए प्लान कर लें। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है और मुझे पता है कि हम इंजीनियर्स एक महीने से ज़्यादा पहले से पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं क्या?
तो वो चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो। एक से डेढ़ महीना जब एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग, आई यूज़ टू प्लान माई एंटायर सिलेबस, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के आई यूज़ टू मेक माई नोट्स, उस तरीके से उसको मैं पढ़ाई उसको संभाल लेती थी। तो वेन एवर यू आर मैनेजिंग दोज थिंग्स टुगेदर, फोकस ऑन प्लानिंग, किस तरीके से आप एक माइक्रो प्लान बनाएं, अपना डेली एक प्लान बनाएं, वीकली टारगेट सेट करें और एक ब्रॉड विजन दिमाग में रखें कि ब्रॉडली आप मंथ्स में क्या कवर करने वाले हैं। अगर आप प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो ज़्यादातर पोर्शन आपका वहीं से कवर हो जाता है, और जब आप टारगेट्स बनाते हैं उनको टिक करते हैं तो एक सेंस ऑफ कम्प्लीशन भी आपको मिलता है कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ, और मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो इस तरीके से प्लानिंग पे भी इक्वली फोकस कीजिए।